तू कहाँ थी? तू क्यों नहीं ध्यान रखती तेरे बच्चे का? बेटा तो तेरा है ना, ध्यान तुझे रखना चाहिए। मुझ पर चीख रही है। मैं तीने जब खुद मुझसे कहा कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है, तो मैंने दी की बात मान ली। मैंने दी से कुछ नहीं कहा। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, मुझे तुझे संभालना है। तुझे पाल पोस के बड़ा किया मैंने, और तुझे आइडिया भी नहीं है कि दी की हालत क्या थी। तभी रात भर उन्हें बुरे बुरे सपने आते थे। एक रात ऐसी नहीं गुजरी है कि दी नींद में से चीख के नहीं उठी। इनकी आंखों में मैंने अजीब सा खौफ देखा है, डर देखा है मैंने। इनके माथे पर बेइज्जती की लकीर देखी है मैंने। अरे यही थी तेरी माँ की तकदीर। करण, मैं यहां से चले जाती हूँ। मैं अच्छी बहू नहीं हूँ, अच्छी बेटी नहीं हूँ, अच्छी पत्नी नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये ऐसी बातें क्यों करती थी? क्या हुआ था इनके साथ और कैसे बदल गई है इतना? क्यों? उन लूथराज की वजह से। उन लूथराज ने तेरी माँ की इतनी बेइज्जती की है। अगर जरा सी भी शर्म है ना, जरा सी भी गिल्ट है, जाके रुद्राक्ष को ढूंढो। आप सब मेरे दी के खिलाफ हैं। आप लोगों ने उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला है। चिश्ती, आज मैं आप सभी से ये रिश्ता तोड़ती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और एक बार नहीं, कई बार बेइज्जती की है मेरी दी की उन लोगों ने। धक्के मार के घर से बाहर निकाला है दी को। अरे इनकी क्या गलती थी? अपने बच्चों को वैक्सीनेशन देने ले जा रही थी। अरे इनको सपना आया था क्या कि इनके साथ ऐसी अनहोनी घट जाएगी? और वो पागल अंजलि, वो तेरे पापा के प्यार में इतनी पागल थी कि उसने तुझे किडनैप किया, तुझे मारने की कोशिश की, तेरी माँ को मारने की कोशिश की। मुझे आज भी याद है जब करण जीजू दी बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, तब उस पागल औरत ने इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट के बाद जीजू दी हॉस्पिटल तो पहुंच गए, लेकिन तू नहीं पहुंच पाया बच्चे। हाँ, तेरा जुड़वा भाई शौर्य, वो पहुंच गया था हॉस्पिटल, लेकिन तू नहीं। भाई, तेरा जुड़वा भाई, शौर्य, तेरे एक नहीं कई रिश्ते हैं। तेरी बड़ी दादी बानी दादी, तेरी छोटी दादी राखी मॉम, तेरे दादू महेश डैडी जी, तेरी दादी बुआ करीना बुआ, तेरी बुआ कृतिका, तेरे बड़े पापा ऋषभ जी, तेरी सगी बहन काव्या, और तेरा जुड़वा भाई शौर्य।